गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कल आपने अपना क्लास वर्क होमवर्क कर लिया था ना, आज मैं आपको व्याकरण करा रही हूँ। ठीक है बच्चों, क्लास टू विषय हिंदी, डेट 27 जून, ये आपका रिवीजन वर्क है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे याद करेंगे और लिखेंगे भी। ये 12 पेज नंबर है। क नंबर उसका ध्वनि किसे कहते हैं? आपको लिखना है मुख से जो आवाज़ निकलती है, जब हम बोलते हैं हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है बच्चों। ख नंबर है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चों, आपको इसे याद करना है और इसे लिखना है और आपका ये होमवर्क है। ठीक है बच्चों, आप अपना ये होमवर्क करेंगे आपका बुक में 13 पेज नंबर का ये होमवर्क है। फोर्थ नंबर, संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाइए। यहाँ पे अक्षर ज्ञ लिखा है, तो अक्षर से आपको क्षत्रिय लिखना है, ज्ञ से ज्ञानी, त्र से त्राही, स्र से श्रीमान। ठीक है बच्चों, आप लोग ये करेंगे। और नीचे दिया हुआ है अंग या ढ लिखकर शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पर ये खाली जगह दिया हुआ है प डैश न, यहाँ पर भी च डैश न, यहाँ पर पे डैश दिया हुआ है, तो आपको इसमें ढ और न जिसमें जो शब्द बैठेगा आपको वो बैठा के लिखना है। ठीक है बच्चों, आप अपना ये होमवर्क करेंगे। ठीक है बच्चों, 12 पेज नंबर व्याकरण का। थैंक यू बच्चों।